सब्सक्राइब कीजिए टेक टच चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक टच चैनल। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गूगल प्ले स्टोर एरर के बारे में। एरर कोड है 420। इस एरर को कैसे फिक्स करते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो, मार्च वीडियो में देखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है सिंक में। यहाँ पे देखिए सिंक, इसको ओपन करना है। उसके बाद आपको जाना है गूगल में। गूगल में जाने के बाद आपको नीचे मोर पे प्रेस करना है, रिमूव अकाउंट पे प्रेस करना है, रिमूव अकाउंट पे प्रेस कर देना है। यहाँ से आपका गूगल अकाउंट रिमूव हो जाएगा, आपको फिर से गूगल अकाउंट ऐड करना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक जाना है। उसके बाद आपको जाना है इंस्टॉल्ड ऐप में। यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर। यहाँ पे देखिए इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको फोर्थ स्टॉप पे प्रेस करना है, ओके कर देना है। उसके बाद क्लियर डाटा पे प्रेस करना है, क्लियर ऑल डाटा पे प्रेस करना है, ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है। उसके बाद आपको सर्च करना है गूगल सर्विसेज फ्रेमवर्क। यहाँ पे देखिए इसको ओपन करना है। यहाँ पे भी आपको फोर्थ स्टॉप पे प्रेस करना है, ओके कर देना है, क्लियर डाटा पे प्रेस करना है, क्लियर ऑल डाटा पे प्रेस करना है, ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है। फिर से आपको यहाँ पे सर्च करना है डाउनलोड मैनेजर। यहाँ पे देखिए इसको ओपन करना है, फोर्थ स्टॉप पे प्रेस करना है, ओके कर देना है, क्लियर डाटा पे प्रेस करना है, क्लियर ऑल डाटा पे प्रेस करना है, ओके कर देना है। उसके बाद आपको अपना फ़ोन एक बार रिस्टार्ट करना है, आपका एरर फिक्स हो जाएगा। तो आप इस तरह से गूगल प्ले स्टोर एरर कोड 420 को फिक्स कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले टेक टच चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।